नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर के मध्य में शनि जो वक्री हो रहा है तो इसका प्रभाव वृषभ लग्न के ऊपर क्या पड़ेगा। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बताना चाहता हूं कि ये वीडियो महत्वपूर्ण क्यों है। मैं ये तो बता दूंगा कि शनि वक्री हो रहा है तो इसका वृषभ लग्न के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, परंतु ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज मैं आपको गोचर जगत में YouTube के इतिहास में पहली बार ये बताऊंगा कि अगर शनि वक्री हो रहा है और आपका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है और आपकी पत्रिका में शनि कहां बैठा हुआ है, आखिर आपका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है तो शनि कहीं ना तो कहीं निश्चित तौर पर बैठा हुआ होगा, तो आप अपने शनि के यानी अपने कुंडली में अपने शनि की स्थितियों को देख करके ये समझ पाएंगे कि 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर के मध्य में आपके जीवन में शनि कहां बैठा हुआ है और किस प्रकार का फल देगा। गोचर जगत में अगर किसी भी प्रकार के ग्रहों में कुछ परिवर्तन होता है, वक्री मार्गी उच्चस्थ या फिर निचस्थ या फिर शत्रु क्षेत्री आता है तो आपकी कुंडली में जहां वो ग्रह बैठा होता है ना उसके ही फल को बढ़ाता और घटाता है, तो आपको ये वास्तविक तौर पर समझना चाहिए कि शनि वक्री हो रहा है तो मेरी जन्म पत्रिका में वो किस प्रकार का फल देगा और कहां बैठे हुए हैं। इसी कारण बहुत लोग क्वेरी करते हैं और आज जो है मैंने बहुत ही विस्तृत तौर पर यह जानकारी प्रस्तुत किया है। हालांकि इसकी बृहद वीडियो मैंने बनाई है यूट्यूब पे, अभी तक में सबसे ज्यादा अगर शनि वक्री में किसी का भी व्यूअर गया है तो सबसे ज्यादा 1,30,000 मेरे ही वीडियो पे गया है और अभी तक किसी का नहीं गया। आप चाहे तो वो वीडियो भी जाकर के सर्च करके देख सकते हैं जिसमें मैं सभी राशियों का एक वीडियो में ही बता दिया था। लेकिन ये वीडियो जो है, सबसे पहला समझिएगा दर्शकों, ये जो वीडियो है लग्न पे आधारित है, वृषभ लग्न है, लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही देखिएगा, नहीं लग्न पता है तब आप राशि के अनुसार देख सकते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे ये वीडियो मेरा लग्न पे आधारित है, राशि पे आधारित नहीं है। आप दोनों मिला के देखेंगे तो कुछ ज्यादा आपको जीवन में सटीकता की ओर आप जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर यह देना चाहता हूं कि वक्री क्या है। ज्योतिष शास्त्र कहता है जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके वास्तविक फल में वृद्धि हो जाता है, और ये ज्योतिष शास्त्र में सारावली बुक कहता है। इसके अलावा जातक परिजात का कहना है कि अगर कोई ग्रह शत्रु क्षेत्री में होकर के वक्री होता है तो अशुभ फलदायी होता है। मतलब अगर मान लीजिए मंगल शनि के शत्रु हैं और मंगल मकर राशि में वक्री होता है तो शत्रु की राशि में वक्री हो रहा है तो अशुभ फलदायी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ग्रह, जातक परिजात का यह कहना है, अपनी राशि में या मित्र की राशि में वक्री होता है तो उसके फल में वृद्धि होता है। 14-15 वर्ष का मेरा ज्योतिष शास्त्र का एक्सपीरियंस है और शास्त्र में भी कहा गया है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने वास्तविक स्थान के अलावा भी पीछे के बल को देना चालू कर देता है, यानी पीछे के फल को भी देना चालू कर देता है। ऐसा क्यों होता है मैं बताना चाहता हूं। कोई भी ग्रह एक वास्तविक ग्रह पे बैठा रहता है, कोई भी ग्रह एक वास्तविक राशि पे बैठा रहता है और सभी को 23 समय के अनुसार दूसरी राशि की ओर परिवर्तित करना है। लेकिन कोई ग्रह अपनी गति को तीव्र करके एक राशि से जल्दी दूसरी राशि की ओर परिवर्तित करना चाहता है, लेकिन सूर्य का एंटी गुरुत्वाकर्षण बल उसको स्थिर करता है और जो है स्थिरता को ही जो है हम लोग लगता है कि हम लोग के पास, क्योंकि कोई ग्रह जब स्थिर हो जाएगा तो वो बहुत स्लो मोड में आगे बढ़ेगा क्योंकि उसको वास्तविक सीमा से एक राशि को पार करना है ना। और अगर हर ग्रह वक्री ही हो जाए तब तो फिर ब्रह्मांड में बचा ही क्या, सारे ग्रह तो आपस में समझ लीजिए कि पूरी की पूरी कैलकुलेशन ही ब्रह्मांड की बिगड़ जाएगी, सौर मंडल की। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि थोड़ा स्थिर हो जाता है। तो जब कोई ग्रह स्थिर हो जाएगा तो निश्चित तौर पे वो अपनी राशि में, जिस राशि में वो बैठा उसका तो फल देगा ही, लेकिन वो पीछे की राशि का भी फल देगा क्योंकि पीछे की ओर लौटते की स्थितियों को प्रतीत करने वाला होता है। तो वक्री ग्रह का प्रभाव निश्चित तौर पर बल बढ़ाने वाला होता है। अब यहां पर शनि वक्री हो रहे हैं, शनि जो है मनुष्य के जीवन में संघर्ष के कारक है, न्याय के कारक है। जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा शनि आपको कुछ नहीं देगा, और अगर शनि वक्री हो रहा है तो यह मेहनत ज्यादा कराएगा। शनि वक्री हो रहा है तो संघर्ष ज्यादा कराएगा, शनि वक्री हो रहा है तो आप अपने मान सम्मान की चिंता ज्यादा करिएगा। मनुष्य का क्या है ना, बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा ना तो वो सोचेगा कि वाह मेरी तो जिंदगी ही नहीं है। शनि बैठने नहीं देता है, कर्म करवाता है। कर्म करिए तो मिलेगा, मैं भी कर्म कर रहा हूं तो मिल रहा है। आज दोपहर अभी रात्रि का 3 बजे और 3 बजे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो कर्म ही कर रहा हूं, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, कर्म करने में फर्क है। मैं जो वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं
बृहत रूप से प्रस्तुत कर रहा हूं, शॉर्टकट में नहीं कर रहा हूं, तो ये मेरा वास्तविक कर्म है। लेकिन ग्रह से तो कोई नहीं बच सकता है। इसके अलावा शनि जो भी व्यक्ति लोहा से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी के काम से रिलेटेड, चर्म व्यवसाय से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, इसके अलावा जो है बहुत हद तक कारखाने से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, विद्यालय से रिलेटेड और साथ में बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां उन लोगों से रिलेटेड कारक होते हैं। जब शनि मकर राशि में आया था तो निश्चित तौर पर ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन किसी ने ये चीज नहीं ध्यान दिया कि यहाँ पे शनि क्या हो रहा है कि शनि जो है मकर राशि में देखिए वर्तमान समय बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, कितना अच्छा सस योग नामक राजयोग बनाता है, लेकिन राहु की दृष्टि शनि के ऊपर नौमी थी। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, राहु क्या है, पापी ग्रह है, क्या है, क्रूर ग्रह है, शनि पे नौमी दृष्टि। क्या होता है इसका मतलब, एक पापी ग्रह जब दूसरे पापी ग्रह के ऊपर दृष्टि डालता है ना तो उसके फल में कमी आ जाती है, खराबी आ जाती है। यही कारण है कि शनि जो है वक्री जो हो रहा है ना, अब क्या होगा कि नौमे भाव का भी फल को देगा, यानी धनु राशि के भी फल को देगा और मकर राशि के भी फल को देगा। मतलब ये वक्री होना इतना लाभकारी रहने वाला है कि मैं आपको क्या बताऊं। जो भी वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले सांस की बीमारी से, क्योंकि शनि जो है निश्चित तौर पर हृदय के कारक होते हैं आपकी कुंडली में और नौमे भाव यानी पेट के कारक भी होते हैं, पेट की समस्या से, हृदय रोग से, इसके अलावा जो है कफ की समस्या से, इसके अलावा जो है सूखी खांसी से रिलेटेड समस्या के जो भी व्यक्ति परेशान है वृषभ लग्न वाले, सबसे पहले आपके हेल्थ को शनि सुधार करना चालू कर देगा, क्योंकि राहु के प्रकोप से ये पूर्णता बहुत हद तक बचना चालू कर देगा, क्योंकि जब ये वक्री हो जाएगा तो इसके प्रभाव में वृद्धि हो जाएंगे। क्या होता है बताता हूं, या तो ग्रह वक्री हो जाते घर पहले का असर देते, या फिर आपका दुश्मन से आप ज्यादा मजबूत हो जाइए तो आपके प्रभाव में पड़ जाएगा। तो जब शनि वक्री हो जाएगा तो मकर राशि में वो प्रभावशाली हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा तो राहु की दृष्टि कैसा सा दस राहु की भी दृष्टि पड़ जाए तो कुछ नहीं हो सकता है। यानी वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले निश्चित तौर पर यह वक्री होना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। अब वास्तविक तौर पर सुन लीजिए, क्योंकि पहला वीडियो का शुरुआत कर रहा हूं तो मैं पहले बात कर रहा हूं कि वृषभ लग्न में जो है मकर राशि में यानी शनि भाग्य के और कर्म के देखिए कारक होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला शुरुआत भाग्य स्थान से ही करते हैं, यानी नौमे घर से, यानी जिसकी कुंडली में शनि भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं ये उसके लिए भी फल रहेगा और पूर्णता तौर पे निचोड़ भी रहेगा। अब यहां पे देखिए क्या है कि भाग्य स्थान में शनि वक्री हो रहे हैं, भाग्य स्थान का जो शनि होता है ना ये पद सिंहासन नामक राजयोग के साथ में जो है सस नामक राजयोग बना करके रखता है। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा था वृषभ लग्न वाले, जब शनि वक्री नहीं थे तो आपके जीवन में क्या हो रहा था, पदोन्नति में बाधा उत्पन्न हो रहा था। यही स्थान से आप विदेश यात्रा की ओर प्रेरित होते हैं तो विदेश यात्रा में यह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, आपके सीनियर से मतभेद करा रहा था, आपके पिता से मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न कर रहा था। और आपको पता है भाग्य स्थान क्या होता है, आपके पूर्व जन्म के फल का होता है। भाग्य स्थान पर शनि पितृदोष भी पैदा करता है, तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है ना कि आपका जो पूर्व जन्म का कुछ भी परेशानी है और यहां पर ग्रह बैठ गया तो उसी के अनुसार वो देता है। तो ऐसी स्थितियों में जब राहु की भी दृष्टि गोचर में पड़ रही है, पिछले में मैंने बताया आपको, अब यहां पे क्या हो रहा है कि शनि बैठा हुआ था भाग्य स्थान में तो पूर्व जन्म में कोई पाप या स्ट्रगल या परेशानी ये भी अभी ही देने का था, लेकिन अब ये वक्री हो रहे हैं तो वक्री होने के बाद सबसे पहले क्या होगा कि शनि आपकी कुंडली में वक्री जब हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर कर्म क्षेत्र के भी मालिक है और भाग्य स्थान के भी मालिक है। तो शनि जब वक्री हो जाएंगे तो आपके जीवन में प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। जब वक्री हो जाएगा तो निश्चित तौर पे कुछ फल आठवें भाव का भी देगा, आठवें भाव का शनि कारक होता है और लग्न के मित्र भी है शनि, यहाँ पे सुफलदायी हो जाएंगे। तो आपको केस मुकदमा से भी रक्षा करेगा, ससुराल पक्ष से भी मतभेद की स्थितियों को समाप्त करने वाला रहेगा, पदोन्नति प्रमोशन के साथ विदेश यात्राओं को लेकर के जाने वाला रहेगा। और इसके अलावा जब शनि वक्री हो जाएंगे तो आपके पिता के स्वास्थ्य के साथ में जो है आपका भाग्य भी साथ देना चालू कर देगा। ये वास्तविक फल हो रहा है पूरे वृषभ लग्न के लिए, क्योंकि भाग्य स्थान के शनि कारक होते हैं। अब कर्म क्षेत्र के भी कारक हैं, तो नए नौकरी और नए प्रमोशन का योग नहीं बन रहा था तो नए नौकरी का योग बन जाएगा। दसवां घर क्या है, आपके जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधाओं आप प्राप्त करते हैं, सरकारी मान सम्मान जो मिलता है, लोगों के मध्य में मान सम्मान मिलता है, इसके अलावा फिर जो है आपके जीवन में आप अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी समृद्धि को कैसे ऊंचा उठाते हैं, लोगों को समाज के बीच में आप अपने परेशानियों को कैसे अलग करके आगे बढ़ते हैं, ये दसवां घर होता है। तो जब शनि वक्री हो जाएगा तो इतना चीज तो वृषभ लग्न वाले परफेक्ट आपको मिल जाएंगे, इतना मानना ही पड़ेगा आपको। अब यहां पे देखिए क्या है, जब निश्चित तौर पे आठवें और भाग्य स्थान दोनों के फल को देंगे
तो एक तरह से ये कर्म क्षेत्र को भी देख रहे हैं और आय क्षेत्र को भी देख रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि आपके जीवन में कोई सीनियर या फिर आपको मन चाह जगह ट्रांसफर करवाना था तो उससे लाभ दे देगा ये। आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, तो शनि आपको ये फल को बढ़ाने वाला हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि वास्तविक तौर पे आपकी कुंडली में शनि कहां बैठा हुआ है और शनि इसके अनुसार आपके जीवन में क्या फल देगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जिस वृषभ लग्न के व्यक्तियों की कुंडली में शनि लग्न में बैठा हुआ था, लग्न में जब शनि बैठ जाता है तो निश्चित तौर पे किस राशि में बैठेगा, वृषभ राशि में बैठेगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र शनि के परम मित्र होते हैं। लग्न क्या है, एक आपका खुद का मस्तिष्क है। आप किस परिवार में जन्म लिए हैं, हो सकता है कि आप बहुत बड़े परिवार में जन्म ले, हो सकता है कि आप ऐसे परिवार में जन्म ले कि परिवार को खुद आप चलाने वाले हो। तो लग्न का शनि जो होता है यह परिवार को चलाने वाला होता है, इंसान के जीवन में बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है, उच्च पद की प्राप्ति कराने वाला होता है वृषभ लग्न में। और इसके अलावा जो है शनि जो है लग्न का इंसान के जीवन में उसकी बुद्धि को बढ़ाता है या भ्रमित करता है, हेयर फॉल की समस्याएं उत्पन्न कर देता है और साथ में चेहरे में फुड़ापन सी मान सम्मान में भी कमी करता है। जब ये शनि वक्री हो जाएंगे ना तो आपके जन्म वृषभ लग्न वाले अगर आपकी कुंडली में लग्न में शनि बैठा हुआ है ना तो आपको मान सम्मान मिलना चालू हो जाएगा। परिवार की जो बर्डन आप लेकर के चल रहे थे उसमें कमी देखने को मिलेंगे, आपकी बुद्धि में कुशाग्रता देखने को मिल जाएगा, कर्ज की मुक्ति के लिए बहुत हद तक परेशानियों को आप समाप्त कर देंगे। साथ में आपका पदोन्नति प्रमोशन के साथ उच्च पद की प्राप्ति करवाएगा क्योंकि शनि जो है दसवीं दृष्टि से जो है कर्म क्षेत्र को देखने वाला रहेगा। इसके अलावा आपके सीनियर से तालमेल में बहुत हद तक सुधार की स्थितियों को उत्पन्न कर देने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा क्योंकि आप अपने जीवन में धन को संग्रहित करने में सफल हो जाएंगे अगर आपकी कुंडली में लग्न में शनि बैठा हुआ है, और तो 23 मई से 11 अक्टूबर के मध्य में यह फल देने वाला रहेगा। अब यहां पे देखिए वृषभ लग्न वाले, अगर आपकी कुंडली में शनि जो है द्वितीय स्थान में विराजमान है और 23 मई से 11 अक्टूबर के मध्य में क्या फल देगा। द्वितीय स्थान में शनि आपको पता है क्या होता है, मिथुन राशि के, मिथुन राशि में विराजमान होते हैं। मिथुन राशि के स्वामी जो होते हैं कौन होते हैं, बुध होते हैं। अब शनि क्या था, जब राहु के गोचर में दृष्ट रहा है यहां पे तो क्या हो रहा था, पारिवारिक तालमेल खराब कर रहा था, लव रिलेशन खराब कर रहा था, आपसी प्रेम खराब कर रहा था, धन संग्रहित नहीं होने दे रहा था, सामाजिक लाभ लोगों के लिए तब कर रहे हैं लेकिन लोग आपके बारे में नहीं सोच रहे थे। यही होता है द्वितीय स्थान, और आपके व्यवसाय में जो भी परेशानियां वगैरह होती हैं वो द्वितीय स्थान से होता है। लेकिन जब 23 मई से 11 अक्टूबर के मध्य में शनि वक्री हो जाएंगे तो आपकी कुंडली में वृषभ लग्न वाले क्या फल मिलेगा, इस सभी फलों में वृद्धि हो जाएंगे, धन संग्रहित होने चालू हो जाएंगे, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आ जाएंगे, प्रेम संबंध में सुधार की स्थितियां बन जाएंगी, सामाजिक लाभ आपको मिलने लगेगा, पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में है तो एक अच्छा पद की प्राप्ति हो जाएगी, और लग्न के फल को बढ़ाने वाला रहेगा। तो आपकी बुद्धि में कुशाग्रता के साथ में जो है समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह रहेगा कि धन संग्रहित अब करना चालू कर दीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि तीसरे घर में बैठा हुआ है तो 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर के मध्य में क्या फल मिलेगा। तीसरे घर में शनि जो होता है शत्रु राशि पे विराजमान हो जाता है। ये देखिए शत्रु राशि कौन, कर्क राशि। कर्क राशि जो होता है वो चंद्रमा की राशि होती है, और चंद्रमा की राशि जो होती है ना वो शनि के शत्रु की राशि होती है, समझ गए। शनि जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, शनि सूर्य को और चंद्रमा को और मंगल को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि भाई बहनों से तालमेल में खराबी कर रहा था, शत्रु आपको उतना ही पैदा ले रहे थे क्योंकि ये उपचय स्थान है, तो यहाँ पे राज्य सम्मान और राज्य अधिकारियों से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, आपके कॉन्फिडेंट और पराक्रम में कमी आ रहा था, प्रॉपर्टी आधा अधूरा लटका हुआ था, उच्च शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो रही थी, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, और साथ में जो है आपके आत्मविश्वास में कमी देखने को मिल रहा था। जब ये शनि वक्री हो जाएगा ना तो यहाँ पे क्या होगा कि परफेक्ट तो देगा ही नहीं कर्क राशि का फल, यहाँ पे मिथुन राशि के फल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चालू कर देगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब क्या होगा कि जिन सरकार के लोगों के पास आपका पैसा फंसा हुआ था वो निकलना चालू हो जाएगा, भाई बहनों से तालमेल में सुधार की स्थितियां बढ़नी चालू हो जाएंगी, धन की स्थितियां आपके जीवन में बढ़नी चालू हो जाएंगी, पारिवारिक लोग जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे सपोर्ट करना चालू कर देंगे, और आत्मविश्वास आपके अंदर इतना भर जाएगा कि बड़े से बड़े लोगों से आपको अपना कैसे काम निकालना है यह बखूबी पता चल जाएगा, और भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण पदोन्नति प्रमोशन के रास्तों को भी प्रारंभ कर देगा। इसके अलावा जो है तीसरी दृष्टि संतान स्थान पर पड़ रहा था तो संतान सुख नहीं दे रहा था, संतान से खटपट करवा रहा था, अब यहां चौथे स्थान पे भी इसकी दृष्टि पड़ेगी तो बहुत हद तक प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा, सुख समृद्धि को बढ़ाएगा, लेकिन माता से थोड़ा मतभेद या माता का स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, उपाय बता दूंगा लास्ट में। अब शनि वक्री हो रहा है वृषभ लग्न वाले, तो अगर आपकी कुंडली में शनि चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है जन्म पत्रिका में
तो चतुर्थ स्थान का शनि जो है इंसान को भूमि मकान वाहन विदेश यात्रा देता है, इंसान के जीवन में गंभीरता को बढ़ाने वाला होता है और इंसान के जीवन में अच्छाई की ओर लेके जाने वाला होता है। लेकिन ये चतुर्थ स्थान में शनि राहु से दृष्ट रहे गोचर में, अब ये वक्री हो रहा है, तो ऐसी स्थितियों में क्या हो जाएगा कि आपके जीवन में वास्तविक तौर पर आपका घर बन रहा था, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, मेंटल टेंशन चल रहा था, पिता से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। जब ये वक्री हो जाएगा ना, तो आप अपने जीवन में इच्छा शक्ति को बढ़ाइएगा, रुके हुए काम को पूर्ण कीजिएगा, आपके माता पिता आपको सपोर्ट कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा वृषभ लगन वाले कि यह जो शनि वक्र हो रहा है ना, तो वक्र होने पे आपके जीवन में आपके बहुत पुराने पैसे कहीं फंसे हुए हैं वह निकल जाएंगे। प्रॉपर्टी का काम करते थे, बिल्डिंग ही नहीं बिक रहा था, तो वह निकल जाएंगे। सरकारी कामकाज के लाभ के साथ में बहुत हद तक जो है समझ लीजिए कि भाग्योन्नति पदोन्नति के साथ में जो एक महत्वपूर्ण लाभ यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपके जीवन में कि आप बहुत दिनों से वाहन वगैरह लेना चाह रहे थे तो ले लीजिएगा। हालांकि बहुत हद तक विदेश यात्रा को भी कराने में सफल होने की स्थितियों को बनाने वाला रहेगा। अगर आपकी कुंडली में वृषभ लगन में शनि निश्चित तौर पर पांचवें घर में बैठा हुआ है कन्या राशि में, तो कन्या राशि के स्वामी जो होते हैं बुध शनि के परम मित्र होते हैं। यहाँ पे भय भंग नामक राज्यों की स्थिति को उत्पन्न करने वाला होता है शनि। हालांकि शनि में दोष नहीं लगता है वृषभ लगन में, क्योंकि ये अच्छे शुभ कारक स्थान होते हैं, तो ये भाग्यशाली छठे घर पांचवें घर का जो शनि होता है मित्र राशि में बैठने के कारण जो है निश्चित तौर पे लॉटरी सट्टा संतान और आपके विद्या का कारक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, राहु से दृष्ट होने के कारण संतान का स्वास्थ्य खराब, संतान के जन्म लेने के बाद फिर जो है उसके पीछे आपके पैसे खर्च हो रहे थे, मानसिक अस्थिरताएं आपके जीवन में चल रही थी, बड़े भाई बहनों से तालमेल में खराबियां चल रही थी, एक्सपोर्ट इनपुट में लाभ नहीं मिल रहा था। जब ये शनि वक्री हो जाएगा ना, तो एक बात याद रखिएगा, क्योंकि पांचवें हाउस का शनि खराब नहीं होता है, लेकिन अब ये शनि जब वक्री हो जाएगा तो आपके जीवन में लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पद की ओर जाना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है पारिवारिक विवाद को ये समाप्त करेगा, माता पिता से तालमेल में ये सुधार करने की स्थितियों को उत्पन्न कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा वृषभ लग्न वाले कि पंचमे शनि जिनके संतान कंसीव नहीं हो रहे थे वो कंसीव होना चालू हो जाएगा। कई दिनों से चाह रहे थे कि प्रॉपर्टी हो ही नहीं पा रहा है, तो ये वक्री शनि आपको प्रॉपर्टी दे देगा, उच्च शिक्षा की ओर लेके जाएगा और मन चाहा जगह कॉलेज में एडमिशन भी करवा देगा। लॉटरी सट्टा के अलावा जो है बहुत पुराने नौकरियां आपकी नहीं लग रही थी, छूटी हुई थी, पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो वो भी आपको दे देगा। देखिए कितना लाभकारी हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए शनि अगर आपकी कुंडली में छठे घर में तुला राशि का उच्च का बैठा हुआ है, अब राहु से दृष्ट था, उच्च का शनि जो है तुला राशि में निश्चित तौर पर भय भंग नामक राज्यों की स्थिति को उत्पन्न करने वाला होता है। यहां पे शनि आपको भाग्यवान बनाने का प्रयास कर रहा था, कर्ज से बचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि राहु की दृष्टि रही, निश्चित तौर पर कर्ज को बढ़ाया, भ्रमित हुए दूसरों की बातों में, धनवान नहीं बन पाया बल्कि और जाकर के कानून लफड़ा में फंसा दिया, कानूनी परेशानियों में फंसा दिया, ये शनि कराया। अब शनि जब बकरी हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे कि पंचमेश और षष्ठेश दोनों का लाभ ये मिलना चालू हो जाएगा। पहले तो बुद्धि बढ़ना चालू हो जाएगा, क्यों कर्जदार बन रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग करके आप कर्ज की मुक्ति करिएगा, जो शत्रु आपको डैमेज कर रहा है इससे बचना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है छठे हाउस का वक्री शनि जो है आपके जीवन में जो है आपको थोड़ा उग्रता की ओर लेकर जाएगा, तो आपको अपनी उग्रता पे और अपने क्रोध पे नियंत्रण करके रखना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह रहेगा कि छठे हाउस का शनि जो है आपके जीवन में वृषभ लगन वाले क्या हो रहा था कि आपको विदेश यात्रा में बाधा उत्पन्न कर रहा था, इसके अलावा ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न कर रहा था। सच बताता हूं, ये जब शनि वक्री हो जाएंगे ना, तो आपके ससुराल पक्ष से रिश्तों के साथ सुधार भी हो जाएंगे, कर्ज की मुक्ति के साथ बड़ा लोन लेना चाहते तो वो भी हो जाएगा, अगर आप चाह रहे थे ना कि नौकरी में कहीं अच्छी जगह ट्रांसफर हो जाए वो हो जाएंगे, पिता से जो मतभेद चल रहा था उसकी समाप्ति हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी आपको देखना चाहिए कि आपको पेट और पैरों की समस्याओं को भी दूर कर देगा, लव रिलेशन को भी ठीक कर देगा, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते भी ले आएंगे। अब यहां पे देखिए क्या होता है, शनि सातवें घर में अगर आपका बैठा हुआ है, एकदम महत्वपूर्ण बात को समझिएगा, शनि अगर आपकी कुंडली के सातवें घर में बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पे जो है आपको जो है वृषभ लगन वाले मकर वृश्चिक राशि के शनि शत्रु होते हैं, मंगल को शत्रु मानते हैं वो, लेकिन सातवें घर का शनि क्या करता है, दिग्बली हो जाता है, समझ गए, और दिग्बली होने पे शुभ फलदायी होता है, परंतु यहां पे शनि वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करता है, विवाह अच्छे नहीं होते हैं, व्यवसाय में परेशानियां उत्पन्न होती हैं,
सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है तो लिटिगेशन में फंसने की संभावना उत्पन्न करता है, और इसके अलावा जो है मानसिक तनाव का तो थोक भाव में आपको प्राप्त करवा देता है। अब जब शनि बकरी हो जाएंगे तो ये पीछे के हाउस को भी फल देना चालू कर देगा। आपको बता देता हूं वृषभ लग्न वाले, जब आपकी कुंडली में शनि अगर सातवें घर में बैठे हुए हैं ना और ये वक्री हो रहे हैं तो आपके विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे, वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा, ससुराल पक्ष से सुधार हो जाएंगे, पार्टनरशिपिंग के रिश्तों में आपका सुधार देखने को मिलेगा। सातवें भाव भाव का शनि राजनीति के क्षेत्र में बड़ी ऊंचा लेकर के जाते हैं, आपको बहुत ऊंचा लेकर के जाएंगे। और इसके अलावा सातवें हाउस का शनि जो है ना वृषभ लगन वाले पेट और पैरों की जो समस्याएं चल रही थी इससे आपको बचाने वाला रहेगा, कितना लाभकारी होने वाला है। और निश्चित तौर पे ये आठवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि दोनों के फल को पढ़ाने वाला रहेगा, अचानक प्रमोशन करवा सकता है, परंतु सातवें घर का शनि मारक होता है, अतः यात्रा में सावधानी रखनी चाहिए। अब देखिए कभी कभी कुछ बुरा होना भी अच्छा का संकेतक होता है। आठवें घर का शनि कारक होता है लेकिन धनु राशि में समग्रह राशि है, बृहस्पति और शनि का तालमेल जो है वो समग्रह का, तुम अपना काम करो हम अपना काम करेंगे, क्योंकि बृहस्पति को शनि मानते हैं गुरु। अब यहां पे देखिए कि शनि जब धनु राशि में बैठता है तो इंसान के अंदर जो होता है ना खोज करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, उसके अंदर जो है एक कह सकता हूं कि कम उम्र में ही उदासीनता आती है और मनुष्य अपने जीवन में कुछ नया परिवर्तन करता है और अध्यात्म के तीव्र गति की ओर बढ़ना चालू हो जाता है। तो सबसे पहला जिसका भाग्य वृषभ लगन में आठवें घर में शनि बैठा हुआ है, अब ये जब वक्री हो जाएंगे ना तो यहाँ पे क्या हो रहा था, पैसे नहीं टिक रहे थे, पारिवारिक तालमेल खराब कर रहा था, अस्थिरता उत्पन्न कर रहा था, जब ये वक्री हो जाएंगे तो विवाह के लिए पहले रिश्ते आ जाएंगे। इसके अलावा जो है गुप्त विद्या स्पिरिचुअल के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो लाभ दे देगा। पूर्व जन्म के अगर आपके जीवन में कोई भी अशुभ कार्य थे तो उसको ये ठीक कर देगा, और अचानक जो दुर्घटने हो रहे थे या परिवार में किसी किसी की अचानक अकाल मृत्यु हो रहा था तो वह ठीक हो जाएगा। कष्ट वेदना यानी पेट पैरों में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, पिता से जो मतभेद हो रहा था, ये सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, बहुत से मतभेद की समस्याएं आपके जीवन में ठीक हो जाएंगी, कितना लाभकारी होने वाला है। वक्री हुआ तो कितना लाभकारी हो गया, चूंकि शुरुआत में मैंने भाग्य स्थान का शुरुआत किया। आप देखिए किसी के कुंडली के कर्म क्षेत्र में अगर शनि बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पर जब यह वक्री हो जाएगा तो कर्म क्षेत्र में किस राशि में, बता देता हूं आपको, मकर राशि, कुंभ राशि में क्या योग बनता है, सस नामक राजयोग। लेकिन सिर्फ सस नामक राजयोग नहीं बनता है, जब शनि वृषभ लगन के कर्म क्षेत्र में बैठते हैं ना तो पद सिंहासन योग भी बनता है, याद रखिएगा वृषभ लगन के लिए पद सिंहासन योग बनता है। रंक से राजा बनाने वाला होता है, लेकिन क्यों नहीं बनाया जब अपनी राशि में शनि था, तो क्योंकि राहु की दृष्टि थी, मेहनत किए जा रहे हैं कुछ लाभ नहीं मिला, पॉलिटिक्स का लाभ नहीं मिला, घरेलू लाभ नहीं मिला, मेंटल टेंशन थोक के भाव में आपको मिला। अब क्या होगा कि करिए मेहनत 11 अक्टूबर तक रंक से राजा बना देगा, 11 अक्टूबर तक उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित हो जाएंगे, प्रॉपर्टी परचेज हो जाएगा, नौकरी में परेशानी आ रही थी, सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, खर्च में कर्जदार बन के बैठे हुए थे, और ऐसे भी वृषभ लगन वाले बुद्धि तो होता नहीं है आपको, दूसरे के बातों में आए और अपना लुटा दिए, थोड़ा दिमाग में लगा लिया कीजिए, समझ गए। तो आपको क्या होगा कि इन सभी प्रकार के सभी चीजों को यह प्राप्त करवाने वाला रहेगा, क्योंकि पद सिंहासन योग के साथ में जो है सस नामक राजयोग भी बनता है। वृषभ लगन वाले कर्म क्षेत्र का शनि वक्री होंगे तो इतना फल मिलेगा, हालांकि ये वक्री हो जाएगा तो प्रमोशन पदोन्नति के साथ नए नए बिजनेस के अपॉर्चुनिटी भी मिलने चालू हो जाएंगे। 11वें हाउस में अगर आपका शनि बैठा हुआ है और वक्री हो रहा है तो ये बहुत लाभकारी फल देने वाला रहेगा वृषभ लगन वाले। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, 11वें हाउस का शनि हर सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि ये समग्रह मित्र के गृह, मतलब मित्र नहीं समग्रह राशि में विराजमान होता है। 11वें भाव में कोई ग्रह खराब फल नहीं देता, लेकिन आपको कर्म में स्थिरता रहने तब दे, तब तो जितना मेहनत करे उतना इनकम आने दे, तब तो जब ये वक्री हो जाएगा ना तो ये 10वें घर के साथ जो है निश्चित तौर पे जो है 11वें हाउस के फल को भी बढ़ाना चालू कर देगा। ऐसे में जो है वृषभ लगन वाले शनि जो है ना आपको धन बढ़ाएगा, पारिवारिक तालमेल में अच्छाई की ओर लेकर के जाएगा, लॉटरी सट्टा का लाभ देगा, एक्सपोर्ट इनपोर्ट का लाभ देगा, विदेश यात्राओं का लाभ देने वाला रहेगा, अपने जीवन में जो भी मान सम्मान या परेशानियां उत्पन्न हो रही थी उसको यह ठीक कर देगा। इसके अलावा वृषभ लगन में अगर 11वें हाउस में शनि बैठा हुआ है तो आपके लिए शुभ है, बहुत अच्छा शुभ है, बल्कि आप एक नौकरी को छोड़कर दूसरे परिवर्तित करना चाह रहे थे तो वो भी लाभ मिलना चालू हो जाएगा। अब अगर आपका वृषभ लगन में शनि मेष राशि में
नीच का बैठा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण फल रहने वाला है। तो एक चीज समझ लीजिएगा, वृषभ लग्न वाले हैं, मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, मंगल की राशि में नीच के होते हैं, क्योंकि मंगल जो है शनि का सबसे बड़ा शत्रु है, मंगल पराक्रमी है। शनि का कहना है हम न्यायाधीश है, हम लोगों को उसके कर्म के अनुसार प्रताड़ित करेंगे। तुम तो सेनापति हो, तुमको तो बस गदा मिल जाए, तीर धनुष मिल जाए, आज के समय में 47 मिल जाए, जो भी मिल जाए, तुम तो बस चला दोगे लोगों को, तुम तो पराक्रमी हो। इसलिए शनि और मंगल का तालमेल नहीं है बढ़िया, ये चीज को याद रखना है। शनि कहता है कि हम हार्ट के कारक है, मंगल कहता है हम ब्लड के कारक है। जब ब्लड नहीं रहेगा तो हार्ट कहां से चलेगा, तीन दोनों से परस्पर नहीं बनता है आपस में। यही कारण है कि अब जब शनि द्वादश में भाव बैठे हुए थे, अब सुन लीजिएगा, कर्जदार में तो पीएचडी होते जा रहा था, तनाव परेशानी केस मुकदमा पिता से मतभेद बॉस से मतभेद विदेश यात्रा में बाधा पीआर में प्रॉब्लम ग्रीन कार्ड में प्रॉब्लम वीजा में प्रॉब्लम जितने भी समस्याएं थी ना, यही दिन का इंतजार करिए। अब एक ही साथ 141 दिन में ही सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जब ये वक्री हो जाएगा तो एकादश के साथ द्वादश के फल को देने लगेगा और वास्तविक स्थान पे ये मजबूत हो जाएगा, लेकिन एकादश के भी फल को देने लगेगा। विदेश यात्रा से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी, शत्रु दूर चला जाएगा, कर्जा समाप्त हो जाएगा, केस मुकदमा में बेल हो जाएंगे। और साथ में वृषभ लग्न वाले बहुत पावर और एनर्जेटिक के साथ अपने जीवन में कुछ नया शुरुआत करिएगा। अकबका रहे थे ना, नौकरी मिल रहा है ना बिजनेस मिल रहा है, मिलेगा, ये दिन का इंतजार था। प्रिय वृषभ लग्न वाले, मैंने आपको बता दिया कि शनि वक्री हो रहा है तो संपूर्ण तौर पे क्या फल मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ उपाय क्या कर लेना चाहिए। देखिए, शनि महाराज को प्रसन्न किया जा सकता है। आपकी पत्रिका में शनि अगर वक्री नहीं है कुंडली में, और निश्चित तौर पर शनि कहीं भी बैठे हुए हैं, सिर्फ जो है यहां पे छोड़ करके और यहां पे छोड़ करके, तो अब शनि का रत्न कुछ समय के लिए धारण कर लीजिए। इसके अलावा जो है आप शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद शनि चालीसा का पाठ करिए, हनुमान चालीसा तो एकदम कंटिन्यू पढ़ना चालू कर दीजिए। जितना हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, शनि का कुछ भी नेगेटिव प्रभाव उतना कम होगा और शनि प्रसन्न भी होंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर हनुमान जी को गुरु मानते हैं। इसके अलावा जो है आप चाहे तो हर शनिवार के दिन गरीबों को काला गुलाब जामुन, काले कपड़े या खिचड़ी खिला सकते हैं। ये भी नहीं हो पाएगा तो शनिवार के दिन पंछियों को जो है आप दाना ही दे दीजिए, लाभकारी हो जाएंगे। इतना करिए, बहुत लाभ फल मिलेगा। प्रिय वृषभ लग्न वाले, शनि वक्री हो रहा है, इसका संपूर्ण फल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।